लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास तो उसके खिलाफ सारे सबूत है पुलिस स्टेशन और कोर्ट में देने के लिए। मेरे को बोलना भी नहीं, आपको पता है मेरे पास सारे प्रूफ्स है, इससे इससे वीडियोस है कि उसने इतने आदमियों को ब्लैकमेल किया है, इतने दो तीन लोगों ने तो सुसाइड भी किया है, वो सारे वीडियोस है मेरे पास। उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को इसने ऐसे ऐसे गंदे गुप्रो कैमरा लगा के रूम में लेकर जाती है, गुप्रो कैमरा लगा के मतलब गंदगी करके वो वीडियोस रखे हैं। और बीवी बच्चों को मतलब शर्म आती कहते हुए कि बिजनेस टाइकून प्रोड्यूसरों को डायरेक्टरों को यू नो पहले खुद इन्विटेशन देती है, मतलब न्यूड होके जब वो रूम में आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोज बनाकर, शर्म आती है मुझे कहते हुए एक महिला के लिए, वो भी हिंदुस्तानी महिला के लिए शर्म आती है। फिर उनको सारी जिंदगी ब्लैकमेल करती। अगला आत्मा, अगला जो बंदे है, मैंने नंबर छोड़े थे ना तो उन लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, मैंने नंबर, मैंने सबके सामने कल नंबर छोड़े थे तो उन्होंने उनके जो चैटिंग है इसकी शर्लिन चोपड़ा की वो दिखाई, शर्लिन चोपड़ा ने उनको न्यूड वीडियो भेजे, वो भी मुझे चैटिंग दिखाई है, सब मैं कोर्ट में पेश करूंगी। उनको ब्लैकमेल किया था, उन्होंने उनको पैसा ट्रांसफर किया है, वो भी सब कुछ मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। मैं मीडिया में, आप मेरे को पूछ रहे हो, मैं मीडिया में बोल रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, ये सारी चीजें कोर्ट में पेश करूंगी मैं। मेरी एडवोकेट को मैंने सब दे दिया है सारे प्रूफ, क्योंकि देश भर के आदमी लोग जो जहां जहां उसने कांड किए हैं वो सारे आदमी लोगों ने, औरतों तो उनकी बीवियों को भी, आदमी तो आदमी बीवियों को भी नहीं छोड़ा है कि आपके बीवी आपके हस्बैंड का वीडियो मैं वायरल कर दूंगी मेरे साथ, अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं डाले तो। शेम ऑन, आप मेहनत करो, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके रोटी लाते हैं, खाते हैं, मिट्टी लगती है। आप, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, आप किसी को ब्लैकमेल करके अपने हस्बैंड का वीडियो दिखा के, ये क्राइम है। आप तो एक है ही पॉर्न स्टार, आप तो है ही एक सब, मेरे को किसी के लिए बोलना नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, आप बेशरम हो और आप सबको, देश के लोगों को इतने सालों से एक्सट्रेशन यू नो जिसको कहते हैं, मेरे को अभी एडवोकेट ने पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन में मैंने सारे सबूत दिए, अभी हम कोर्ट में सारे बड़े बड़े कोर्टों में हम ये सारे प्रूफ दे रहे हैं कि कितना उन्होंने अकाउंट में मतलब पैसा मंगाया, पैसा डिमांड किया, और कितने ऐसा आदमी लोग हैं, उनकी बीवियां हैं, स्कूल में तक वीडियो दिखाने की धमकी दे दी है, बताओ कितनी गिरी हुई है भाई। आपके आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर ये उनके टीचरों को वीडियो दिखा दिए तो। एक औरत आत्महत्या और उनके बच्चों को, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूं। शर्लिन इतनी गिरी हुई हरकतें की है और वो दूसरों पे इल्जाम लगाती है, क्या मुंह लेके लगाती है, वेरी बैड। इसीलिए मैंने आज कंप्लेंट करी है, मेरे पास प्रूफ के साथ करी और बकायदा ओशिवारे पुलिस स्टेशन में स्टैंप लगा के आपको जो मैंने वो भेजा है। साथ ही आपको लाइक कितने लोगों के और मैसेजेस एंड ऑल आए हैं, बहुत मैंने कल मेरा नंबर वायरल किया था ना, कल आप लोग आए थे वहाँ पे, परसों कल परसों तो मेरे वायरल के मुझे वहां से नंबर आया कि राखी दीदी मेरे पास, मैं आपको एक ही मैसेज दिखाऊंगी बट वो नंबर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। उनके साथ भी ऐसा किया है, मैं बोलूंगी नहीं, बड़ा आप देखिए क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए, आप प्लीज पढ़े, प्लीज पढ़िए। राखी जी, आई रियली रिस्पेक्ट यू एज अ टेक्नीशियन एंड आई हैव नॉट लाइक्ड व्हाट द शर्लिन चोपड़ा इज टॉकिंग अबाउट, प्लीज डू समथिंग अबाउट हर, थैंक यू विद द रिस्पेक्ट आरोन क्रिएटिव डायरेक्टर। कुछ कितने लोगों को शर्म आ रही है मुझे, उन्होंने वीडियोस भेजे, मतलब हमारे साथ ऐसा किया है, हमको ब्लैकमेल करती थी कि मुझे फिल्म में लो वरना ये तुम्हारा वीडियो वायरल करेंगे। अब डायरेक्टर बोलते कि मेरे पैसे थोड़ी लगे फिल्मों में उसको जबरदस्ती लेने के लिए, एक तो बोलते सर मेरी मीटिंग करेंगे कमरे में, मीटिंग करेंगे सर, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं सबके सामने मीटिंग नहीं कर सकती, और कमरे में जाके ऐसा गोद में बैठ जाना, हाय हेलो ये सब गंदगी करना और सामने कैमरा लगाया,
मेरे को मेरी छाती फूट आती है, मेरे को दर्द होता है सब बोलते हुए। कितने लोगों ने ऐसे वीडियो भेजे मुझे, मेरे पास सारे सबके वीडियो के प्रूफ है कि हमको बंद कर भाई, मुझे दुख हो रहा है ऐसे आप सोच नहीं सकते। कोई भी बीवी आत्महत्या कर लेगी, अपने बच्चों को मार डालेगी, पति पत्नी और बच्चे मर जाएंगे, ऐसे वीडियो मेरे पास। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि गॉड ने मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से दी ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। सब कहते हैं वो तो कीचड़ है, मत जाओ कीचड़ में जाओगे तो मुंह पे कीचड़े लगेगा, मुंह पे कीचड़े लगेगा। मैं ये डर से कि मेरे मुंह पे कीचड़ लगेगा या कुछ मेरा बुरा होगा या लोग क्या समझेंगे, ये सोच के मैं शर्लिन जैसी औरतों का बुराइयों का पर्दाफाश ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आई हूँ ऐसे औरतों के खिलाफ लड़ने के लिए। आपने इतनी हिम्मत की और आप आगे आई हो ऐसे ही और भी। मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि अगर सचमुच किसी भी आर्टिस्ट ने आपके साथ बुरा किया है तो फाल्गुनी जी या ऐसे बहुत सारे एडवोकेट है, जाओ उनको मिलो, अगर आपके पास प्रूफ है प्रूफ दो और उनके खिलाफ केस लड़ो, है ना। सिंपल, देश का कानून बहुत अच्छा है, देश की पुलिस बहुत अच्छी दिन रात मेहनत करती है, और ये शर्लिन चोपड़ा पुलिस के खिलाफ जा रही है, देश के कानून के खिलाफ जा रही है। पहले तो सलमान खान के खिलाफ गिदड़ बकिया, सलमान खान ऐसा सलमान खान वैसा, और कल मैंने अभी देखा उसको मतलब होश आ गया, जल्दी अक्कल ठिकाने पे आ गए, हाथ जोड़ के बात कर रही थी, अब इसको मैं ठिकाने पे लगाती हूँ। अभी तुम देखिए ये अभी गायब हो जाएगी, देखना तुम, ये मुंह छुपा के भाग जाएगी। ऐसे ऐसे वीडियो है मेरे पास, देश की जनता है ना, देश के प्रधानमंत्री पीएम को मुझे अवार्ड देना चाहिए ऐसी महिलाओं का मुंह बंद करने के लिए। बहुत सारे लोगों का घर बचा रही हूं मैं, समझ रहे हो आप, अपना अपने आप को बदनाम करके मैं बहुत सारे लोगों का घर बचा रही हूं, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई।